हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन और डिस्पर्जल ऑफ प्लांट पैथोजन, इसकी नेसेसिटी, टाइप्स एंड मोड ऑफ प्लांट डिसेमिनेशन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि डिसेमिनेशन क्या होता है। डिसेमिनेशन को हम डिस्पर्जल या ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स और इन्फेक्टेड बॉडीज एक्टिंग एज ए इनोकुलम फॉर वन होस्ट टू अनदर होस्ट बाय वेरियस डिस्टेंस रिजल्टिंग इन स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। कि मान लो कहीं पर कोई डिजीज़ पैदा हो रही है, या किसी भी तरीके से कोई मान लो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी ट्रांसमिशन हो जानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि जहाँ वो बॉर्न हुआ और कहाँ वो स्टेब्लिश हुआ, ये है आपका डिस्पर्जन, डिस्पर्जल या डिसेमिनेशन या ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन और इसकी एक और डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांट पैथोजन फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू इट्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कहाँ ये पैदा हुआ और कहाँ जाके ये मान लो ये इसने अपना एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कौन सा अपनाया। उसके बाद दो तरह के इसकी टाइप आगे आ जाती है कि डिस्पर्सल कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है अफेक्टिव डिस्पर्सल तो इनअफेक्टिव डिस्पर्सल। अफेक्टिव डिस्पर्सल है वो है इट डिस्प्लेसमेंट अकर इन ए ससेप्टिबल होस्ट एंड वेयर द एनवायरमेंट इज सूटेबल द प्लांट पैथोजन कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अफेक्टिव डिस्पर्सल हो जाता है कि मान लो कोई एक एरिए पे कोई प्लांट पैथोजन ने किसी ने जन्म लिया, आगे वो कहाँ किसी ससेप्टेबल होस्ट पे जाता है, अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन या उसका सर्वाइवल हो रहा है तो वो कहलाएगा अफेक्टिव डिस्पर्सल। अगर उसका आगे जाके किसी होस्ट के ऊपर जाके जो उसको आगे होस्ट मान लो ससेप्टेबल नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कहलाएगा इनअफेक्टिव डिस्पर्सल। इनअफेक्टिव डिस्पर्सल की आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, व्हेन ए प्लांट पैथोजन डज नॉट गेट एनी मीडियम फॉर इट्स सर्वाइवल, कि वो कोई भी सर्वाइवल के लिए उसको कोई मीडियम नहीं मिल पाता, वो कहलाता है इनअफेक्टिव डिस्पर्सल। उसके बाद आ जाता है कि वाई ये प्लांट पैथोजन्स होते हैं वो डिसमिनेट क्यों होते हैं या डिस्पर्स क्यों होते हैं या ट्रांसमिट क्यों होते हैं। वो सबसे पहले तो वो कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह से, मान लो ह्यूमन नेचर भी यही है कि हम मूव तभी कहाँ करते हैं, कहाँ लोग किसी फूड अपने के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। यही सेम ही ऐसा ही प्लांट पैथोजन में होता है। सबसे पहले वो फूड के लिए शिफ्ट होता है या सर्वाइवल करने के लिए या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं आपके एजेंट्स, कि कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पैथोजन की एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की। सबसे पहले आता है आपका विंड। विंड की वजह से भी डिस्पर्जन होता है, वाटर की वजह से होता है, सॉइल की वजह से होता है, सीड की वजह से होता है, एनिमल की वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से होता है, जहाँ जो हम एग्रीकल्चर में मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। उसके बाद अब आपका आता है एक्टिव डिस्पर्सल और पैसिव डिस्पर्सल। एक्टिव डिस्पर्सल की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको वहीं से समझ लग जाएगा। इट इज़ द मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन टेक प्लेस थ्रू सॉइल, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। कि अगर सॉइल, सीड या प्लांटिंग मटेरियल के जरिए अगर कोई डिस्पर्सल पैदा हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका एक्टिव डिस्पर्सल। और देर इज़ अ नो मेजर रोल ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, कि जिसमें इन तीनों चीज़ों का बाकी सारी चीज़ सिर्फ ये तीनों ही चीज़ें ही एक रोल प्ले करेंगी, सॉइल, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। एंड जो पैसिव डिस्पर्सल है वो इंसेक्ट के जरिए, विंड के जरिए, वाटर के, यानी ये सारी चीज़ों ह्यूमन के जरिए या मशीनरी के जरिए जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है वो सारी पैसिव डिस्पर्सल कहलाएंगी। उसके बाद आता है आपका ये सारी जो विंड की कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन जो मान लो शॉर्ट डिस्टेंस डिसमिनेशन या डिस्पर्सल है वो कौन सी डिजीज़ में होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में डिस्पर्सल है विंड की वजह से वो कौन सी डिजीज लेके आता है, जैसे कॉनिडिया ऑफ पोएट्री मिल्ड्यू हो गया, स्पोरोजेनिया ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ फंजाई हो गया, ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपका ये आ गया एंडरोस्पोरा ऑफ रस्ट फंजाई हो गया, एलमेंथोस्पोरा हो गया, पाइकुलेरियम हो गया, ये सारे आपके लॉन्ग डिस्टेंस है। उसके बाद जो बैक्टीरिया विंड डिसमिनेशन ऑफ फंजाई, न्यूमरस स्पोर्स हो गया, डिस्चार्ज ऑफ स्पोर्स हो गया, स्मॉल साइज होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, तो ही वो विंड के जरिए जो फंजाई कर सकती है वो उसमें ये ऊपर वाली इतनी क्वालिटी चाहिए, सारी ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए ये वाली। और दो जो तीन चीज़ें जो तीन फंजाई जो नहीं
एयर के जरिए या सॉरी विंड के जरिए जो डिसिमिनेट नहीं हो पाती है वो है साइकंथेस या प्लास्मोडी स्पोरा या फ्यूजेरियम। ये फंजाई है जो विंड के जरिए ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। और ये हैं आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो हैं जो वायरस हैं वो एज अ वेक्टर वेक्ट करते हैं। उसके बाद है कि फैक्टर अफेक्टिंग विंड डिसमिनेशन, कि कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियडियोसिटी यानी पीरियड, कौन से दो तरह के पीरियड हैं इसमें। सबसे पहले डायनेरियल तो नॉकटर्नल। डायनर्नल है जो दिन दिन के समय में जो भी मान लो कोई भी चीज़ जो कोई भी मान लो प्लांट पैथोजन को डिस्पर्जल होने से जो दिन के समय जो चीज़ें रोक रही हैं वो है डायनर्नल। जो है रात में समय से वो है नॉकटर्नल। ये दोनों चीज़ें हैं पीरियोडिक। उसके बाद आगे ट्रबलेंस इन एयर, कि मान लो कोई ट्रबल आ जाए या विंड ना चल रही है जो उसकी वजह से वो अफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एयर कंटरेंट के मान लो स्टेडी हॉरिजॉन्टल हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस आगे मान लो उसको पैथोजन को कोई होस्ट ही ना मिले, या ब्रीज इन टर्बुलेंस इन वर्टिकल, जहाँ कोई हवा ठंडी ज़्यादा चल रही है वो जो मान लो पैथोजन से वो इनएक्टिवेट होते जा रहे हैं, या इररेगुलर है कि उसकी कोई शेप या किसी तरह की उसका पैटर्न नहीं है कि आगे उसका मान लो आगे जाके कि उसको होस्ट नहीं मिलेगा, वो सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसके डिस्पर्जन में। उसके बाद ये एक सारे एग्जांपल हैं कि मान लो अगर हॉरिजेंटल 6 किलोमीटर के ऊपर से ये जो प्री ग्रामिनेस्ट ट्रिटिक आई है इसको अगर मान लो ये स्पीड नहीं मिलती है तो ये आगे नहीं पहुंच पाती अपने होस्ट की तरफ। अगर ये पी इन फर्स्ट टेंस है हॉरिजेंटल 200 मीटर और 2 600 किलोमीटर अगर हवा चल रही है तो की स्पीड से हवा चल रही है तो ये अपने होस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल डिस्पर्जल। मान लो जैसे अमेरिका टू यूरोप होना, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये सारे मान लो सीड प्लांटिंग मटेरियल हो गया, सीड हो गया, बाय वाटर हो गया, ये सारे डिस्पर्जल होते हैं आपके इन चीज़ों जो सारे कहलाते हैं जो कंट्री टू कंट्री मूव हो जाते हैं वो है इंटरनेशनल डिस्पर्जल। कई बार हमने भी देखा है कि हम मान लो कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई सी बाहर से हम सीड मंगवा रहे हैं या बाहर से कोई भी ग्रेन मंगवा रहे हैं अपने पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, उसमें मान लो कोई वीड्स आ जाएं या वीड्स वीड के सीड आ जाएं या कोई इंसेक्ट आ जाए या कोई डिजीज आ जाए, वो सारा कहलाता है इंटरनेशनल डिस्पर्जल। सरफेस ऑफ रनिंग वाटर भी मान लो हैवी रेन की वजह से भी कई बार डिस्पर्जल नहीं हो पाता। उसके बाद ड्यूरिंग इरिगेशन कनाल एंड वेल इरिगेशन में भी डिस्पर्जल की बहुत सी कमियां आ जाती हैं। एग्जाम्पल इसमें है माइसेलियम फ्रेगमेंट हो जाता है, स्पोर्स और एनस्किटोरिया एंड फंजाई, ये सारी चीज़ें ये डिजीज़ें मान लो वाटर सरफेस रनिंग वाटर में अपना डिस्पर्जल में अफेक्ट करती हैं। उसके बाद रेन स्प्लैश वाटर, ये सारा स्प्लैश डिस्पर्जल हो जाता है कि जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो मान लो कोई राइस में आपने एग्जांपल हम जहाँ राइस की दी होगी एग्जैंथ्रमनास इन राइजा में अगर देखें बैक्टीरियल स्पॉट्स होते हैं, अगर बारिश हो जाए मान लो तेज़ बारिश होती है तो वो सारी प्लांट पैथोजन सारे अब होस्ट होस्ट से डिसअटैच हो जाते हैं। ये सारे रेन स्प्लैश की वजह से हो जाते हैं। एनिमेटेड एजेंट हो गए, फंगल पैथोजन हो गए, बैक्टीरियल पैथोजन हो गए, ये वायरल पैथोजन है जिसकी वजह से डिस्पर्जल नहीं हो पाता। उसके बाद मैकेनिकल कौन से होते हैं, कि मान लो फंजाई की लेग, बैक्टीरिया हो गए, वायरस विंग्स हो गए एंड माइक्रोप्लाज्मा एबडामन, कि मान लो अगर कोई मूवमेंट होती है मान लो किसी प्लांट के ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया आया हुआ है या कोई भी डिजीज या पैथोजन आके बैठा हुआ है, अगर मान लो उसमें हम मूवमेंट करते हैं, उसमें हम कोई केमिकल के लिए या फर्टिलाइजर के लिए चलते फिरते हैं, मैकेनिकल मशीनरी उसमें चलाते हैं तो वो सारे डिसअटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। ये भी एक कारण है, ये भी अफेक्ट करता है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है डिस्पर्जल में। ऊपर उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो ह्यूमन बींग्स जो इसमें डिस्पर्जल में अफेक्ट करते हैं वो सब ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते मान लो ज़्यादातर, वो सिर्फ फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए केमिकल अप्लाई करने के लिए ही फील्ड में जाते हैं, और उस टाइम वो जो भी डिस्टर्बेंस करते हैं डिस्पर्जल को अफेक्ट करने के लिए वो सारी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की हुई डिस्पर्जल्स हैं। डिस्पर्जल बाय फेनोग्रामिक पैरासाइट, फेनोग्रामिक पैरासाइट के जरिए जादू जैसे डोडर के जरिए हो गया, कई इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खा ले, या मान लो टोबैको मोज़ेक वायरस में टोबैको रेटल आ जाते हैं वो वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं, ये सारी चीज़ें जो प्लांट पैथोजन को ख़त्म कर दें
जो कोई भी और ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उस प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दे, वो कहलाएगा फेनोग्रामिक पैरासाइट्स। उसके बाद बर्ड्स का बहुत रोल है कि बर्ड जब अपना खाना पीना चुगने के लिए खेतों में आते हैं या दूसरी चीज़ें, वो भी डिजीज़ को या बैक्टीरिया या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, वो भी डिस्पर्जल होने से कई बार रोकते हैं और कई बार उनकी वजह से होता भी है। और फार्म एंड वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल, कैटल फीडिंग हो गया, डिजीज फॉडर गेस्ट हो गया। मान लो कोई कैटल फीडिंग हम कर रहे हैं, उसने कोई डिजीज प्लांट खा लिया है, उसके अंदर जब वो चला गया कहाँ, मान लो उसने अपने कैटल शेड में जाके काउ मान लो डंक कर दिया, वो सारी उसका वेस्ट मटेरियल आगे कहीं हमने डंप करके एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया, उसके जरिए भी डिस्पर्जल हो जाता है। ये कुछ प्लांट पैथोलॉजी की बुक्स हैं मैंने जो आपको रेफ़र की हुई हैं, ये कोई कृपा करके आप इनको ख़रीद लीजिए। अगर फर्दर आपको किसी भी इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई नहीं समझ आ रहा, तो मुझे आप कॉल पे या व्हाट्सएप पे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू।